फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी कुकिंग। मैं हूँ पूनम और आज हम बना रहे हैं बहुत ही प्यारी सी मिठाई है जो कि लेफ्टओवर मावा और ओट्स यूज करके मैंने ये मिठाई बनाई है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मलाई से मक्खन निकालेंगे। मक्खन कैसे बनाओगे वो भी मैं मिक्सी में आपको बताऊंगी। और मक्खन से घी कैसे बनाएंगे हम बहुत ही जल्दी आसान तरीके से, और घी से जो लेफ्टओवर मावा बचता है वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बचता है, और उसका यूज़ करके ये मैंने मिठाई बनाई है। तो यहाँ मैंने ओट्स का यूज़ किया है, तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी यम्मी मिठाई बनी है, तो पूरी रेसिपी ज़रूर देखिए। थोड़ी लेंदी हो सकती है पर पूरी रेसिपी देखिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ मैंने काफ़ी सारी मलाई ली है, काफ़ी दिन की जमा हुई थी मलाई, एकदम फ्रेश है, अच्छी, एकदम बड़ा सा बाउल भरा हुआ है मलाई का। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके उठाते हैं मिक्सी के पॉट में हम बनाएंगे। तो मिक्सी में मैंने ये डाल दिया है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भरा है मिक्सी का पॉट, एकदम फुल मत कीजिएगा। और एक की स्पीड पर मैंने इसको चलाया है जस्ट थोड़ा 2-3 सेकेंड के लिए, और इसको थोड़ा सा फिर से हम घुमाएंगे, और फिर से 2 यानी 3 बार हमें जस्ट चलाना है इसे जब तक इससे बटर मिल्क जो है इसका वो निकल ना आए। तो ये मैंने दूसरी बार चला लिया है, फिर थोड़ा सा चम्मच से मैं इसको घुमा ले रही हूँ, और फिर तीसरी बार फिर से चला लेंगे। ये आप देखिए धीरे धीरे बटर मिल्क इसका निकल रहा है बाहर, फिर तीसरी बार चलाएंगे तो और अच्छे से ये निकल आएगा। तो ये तीसरी बार मैंने चला लिया, मक्खन बिल्कुल एकदम अलग हो गया है और इसका जो बटर मिल्क है वो अलग हो गया है। तो ये बिल्कुल रेडी है, तो इसको मैं एक बाउल में अलग करती जाऊंगी। तो सारी मलाई इसी तरह से बीट करते हुए 3 बार में और पूरे मक्खन जमा कर लूँगी। तो ये 1 बार का है मक्खन ये काफ़ी सारा, और सेम प्रोसेस से मैं काफ़ी सारा मक्खन जमा कर ले रही हूँ। तो हमने काफ़ी सारा मक्खन निकाल लिया है जितनी मलाई थी मेरे पास। इसमें क्या करना है, 1 गिलास पानी लगभग डाल देते हैं, थोड़ा नॉर्मल पानी है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, नॉर्मल पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और मक्खन को अच्छे से पानी में डुबो डुबो के और अच्छे से इसका मैं बॉल बना ले रही हूँ, और जितना भी इसका जो बटर मिल्क है वो निकाल लेंगे दबाकर, और मक्खन एकदम साइड कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो एक मैं बड़ा सा पतीले में बनाने वाली हूँ घी, क्योंकि बहुत सारा मक्खन है तो ये मैं उसमें डालती जाऊँगी मक्खन निकालते हुए। और कोई भी बड़ा बर्तन आप उठाइए बनाने के लिए, क्योंकि जब उबलता है घी तो काफ़ी ऊपर तक ऐसे फूल आता है, तो बाहर बहे ना, गैस ख़राब ना हो, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बर्तन ही आप यूज़ करें। बस इसी तरह दबाते हुए मक्खन निकालते जाना है और शिफ्ट करते जाना है बर्तन में। यह काफ़ी सारा मक्खन मैंने निकाल लिया, बड़े से पतीले में डाल दिया है, और इसको मैं धीमी आंच पे चला देती हूँ। 15 से 20 मिनट लगेगा धीमी आंच पे और घी अच्छा बन जाएगा। बीच बीच में इसको हमें चलाते रहना है ताकि नीचे जो हमारा मावा निकलेगा वो जले बिल्कुल ना, तो थोड़ा सा चलाते रहना है बीच बीच में हमें। और ये जल्दी से फटाफट से घी हमारा ये बन चुका है, आप देख सकते हो घी निकल आया बाहर, और नीचे नीचे आप देख रहे हो मावा जम गया है। तो ठंडा होने के बाद इसको हम छान लेंगे। तो यहाँ मैंने घी पूरा छान लिया है, देखिए काफ़ी सारा घी निकल गया है हमारा, बहुत सारा घी बना है, और जो मावा था वो भी मैंने इसमें निकाल लिया है, शिफ्ट कर लिया है। देखिए काफ़ी सारा मावा भी निकला है हमारा, इसको लेफ्ट ओवर घी कहते हैं। इसका यूज़ करके हम मिठाई बनाएंगे। तो आज मैं ओट्स का यूज़ करके मिठाई बना रही हूँ, तो लगभग 2 कप ओट्स मैं ले रही हूँ, प्लेन ओट्स है ये। इसको मिक्सी में डाल के पहले पीस लेते हैं हम, 2 कप ओट्स को एकदम बारीक कर लेते हैं मिक्सी में डाल के। यहाँ चाशनी बनने रखी है मैंने, तो लगभग 1.5 कप शक्कर है यहाँ पर, 1.5 कप शक्कर और 3/4 कप लगभग पानी का मैं डाल रही हूँ, जितनी शक्कर उसका हाफ पानी, और 3 इलायचियाँ यहाँ मैं तोड़ के डाल रही हूँ। आपके पास इलायची पाउडर हो तो वो ज़रूर डालें इसमें। और बस इसको 1 तार की चाशनी बनने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ एक कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच घी का लिया है, इसमें जो ओट्स हमने बारीक पीस लिए थे इसको हमें भुनना है इसमें। तो यहाँ मैं ओट्स का जो पाउडर मैंने बनाया था वो यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ, दरदरा सा पाउडर है ये आटे के जैसे। इसको हमें भुनना है जब तक अच्छी सी महक नहीं आने लगती और थोड़ा सा कलर नहीं चेंज हो जाता। तो कंटिन्यूस इसको चलाते हुए धीमी आंच पर ही भुनना है, ऐसे हमें छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। ये आप देख सकते हो ये अच्छे से भुन चुका है, कलर छा चुका है, तो मैंने गैस ऑफ कर लिया है और कढ़ाई गर्म ही है, तो थोड़ा सा मैं इसको और चला देती हूँ ताकि ये नीचे से बिल्कुल जले ना। कढ़ाई अभी बहुत गर्म है और जल्दी से जलने लग जाते हैं। तो बस ये अच्छे से भुन चुका है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे मावा। आप इसी तरह आटे से भी बना सकते हो, मैं कई बार आटा बेसन मिक्स करके ही बनाती हूँ, आज मैं ओट्स की बना रही हूँ। तो ये मावा जो मेरा निकला था वो मैं इसमें डाल देती हूँ, जितना मावा निकला था लगभग 1.5 कप जितना मावा है, 1.5 कप से थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा मुझे मावा। तो मावे को इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ओट्स में मिक्स हो जाना चाहिए। इसी तरह आप आटे की बनाओ
आटे को भी भून के इसी तरह से मावा उसे मिक्स कर लीजिए और चाशनी अलग से बनाइए। तो इसको मिक्स करने के बाद फिर बाद में गैस ऑन करना है हमें, ताकि अच्छे से जो मावा है ओट्स के साथ अच्छे से पक जाए, मिक्स हो जाए अच्छे से। तो अब मैं गैस स्टार्ट कर लेती हूँ और थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट और इसको धीमी आंच पे मैंने पका लिया है। अब मैं इसमें चाशनी डालती जाऊंगी। एक तार की चाशनी मेरी रेडी हो चुकी है, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। जितनी चाशनी बनाई है मैंने वो पूरी इसमें लग जाएगी, परफेक्ट रहेगी उतनी। तो बस चाशनी ऐड करके हमें गाढ़ा होने जितना इसको हमें पकाना है, जितने में ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए, मिठाई के फॉर्म में आ जाए। इसको थोड़ा सा 5 मिनट और हमें लगेगा इसको मिक्स करते जाना है, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है घोल हमारा मिठाई का। तो बस गाढ़ा होने के बाद ये थोड़ा सा इसने घी छोड़ा है, क्योंकि जो लेफ्ट ओवर घी था ना मेरा, जो मावा था उसमें थोड़ा घी बचा हुआ था, तो वो निकल आया है बाहर। तो इसको थोड़ा सा मैं अलग कर लेती हूँ, घी को निकाल लेती हूँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा घी, तो ज़्यादा घी भी अच्छा नहीं लगेगा। और बस इसको हम फिर थाली में शिफ्ट कर लेते हैं मिठाई को, और ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये बहुत ही अच्छे से एकदम गाढ़ा आप देख सकते हो चुका है, पूरा निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के लिए इसको हम छोड़ देते हैं। तो मैंने पूरा शिफ्ट कर लिया है, थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको हम कट कर लेते हैं। तो जो शेप आप देना चाहो, आज मैं स्क्वायर शेप दे रही हूँ, चाहे तो डायमंड शेप भी दे सकते हैं इसे। बस कट करना है और अच्छे से इसको सेट और होने देना है, और फिर बाद में हम इसको सर्व करेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो, बारीक कतरन करके ड्राई फ्रूट की। मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किया है, कोई भी ड्राई फ्रूट का यूज़ नहीं किया है मैंने यहाँ पे। इसको मैंने सिंपल ही रखा है, क्योंकि ये इतनी टेस्टी है, मावा इतना टेस्टी है इसका, तो किसी ड्राई फ्रूट की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो लगा सकते हो ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें, लेफ्ट ओवर घी से बनाएं मिठाइयाँ, बनाएं अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाएं, और ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए, और इस तरह मिठाइयाँ ज़रूर बनाएं लेफ्ट ओवर घी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री गणेश, वाहेगुरु।